हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम करने जा रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, नॉर्मली जो नॉर्मल मेल या फीमेल बनते हैं उनमें क्या स्ट्रक्चर होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। मेल की अगर हम बात करें तो मेल में होता है 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, और अगर फीमेल की हम बात करते हैं तो फीमेल में जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है वो 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम होता है। ये एक नॉर्मल मेल एंड नॉर्मल फीमेल का जेनेटिक स्ट्रक्चर है। अगर इसमें कहीं भी इस एक्स वाई के साथ में कोई भी गड़बड़ी होती है तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर में काउंट होगा, सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, इसके क्या पॉसिबल रीजन होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन जो होता है इस तरह की एबनॉर्मलिटीज के लिए वो होता है जब मियोसिस होती है, जर्म सेल्स में मियोसाइट्स में जब मियोसिस होती है उस टाइम पर प्रॉपर डिसजंक्शन या प्रॉपरली अलग अलग नहीं हो पाते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। आपको भी पता है पेयरिंग होती है इस तरह से, मेटाफेज में आमने सामने क्रोमोसोम लग जाते हैं मियोसिस के टाइम पर। ये एक स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको बता रही हूं, इस तरह से ये आमने सामने लग जाते हैं और स्पिंडल फाइबर यहां से इस तरह से इनसे जुड़ा हुआ होता है और इनको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, दोनों अलग अलग पोल पे चले जाते हैं, लेकिन बाय चांस ये इस तरह से ना जा करके क्या हुआ, ये पूरा का पूरा पेयर ही एक साइड चला गया। तब उस केस में क्या होगा, इस साइड एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा और इस साइड एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा, इधर प्लस वन कंडीशन इधर माइनस वन कंडीशन हो जाएगी। तो ये हो गया नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, प्रॉपर डिसजंक्शन यहाँ पर नहीं हो पाया ड्यूरिंग द मियोसिस। ठीक है, तो इस तरह की एबनॉर्मलिटीज कैसे कैसे हो सकती है इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एबनॉर्मलिटी है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, 44 प्लस एक्स नॉट क्रोमोसोम या एक्स ओ क्रोमोसोम भी इसे स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स ओ का मतलब है यहाँ पे अब कोई क्रोमोसोम नहीं आया, जो मैंने माइनस वन वाली कंडीशन बताई थी वो वाला जो गमीट था वो फ्यूज हो गया बाई चांस, जो मैंने अभी लास्ट पेज पे आपको बताया, ये जो माइनस वन वाला बना इसके अंदर एक क्रोमोसोम कम है, एक एक्स या वाई नहीं गया, तो ये जो गैमेट बनेगा इसमें एक्स या वाई नहीं होगा, सिर्फ ऑटोसोम्स होंगे। अब ये अगर किसी नॉर्मल गैमेट के साथ फ्यूज होगा तो उस केस में एक सेक्स क्रोमोसोम कम हो जाएगा हमारा। यहाँ पे कौन सा सेक्स क्रोमोसोम कम हो गया, एक्स या वाई जो भी आना चाहिए था वो यहाँ पर कम हो गया। तो ये एक क्रोमोसोम कम है, नॉर्मल ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 होते हैं, तो यहाँ पर एक कम है तो 45 हो जाएंगे नॉर्मल क्रोमोसोम्स, और एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कैसी होंगी, फीमेल होंगी। ये क्या होंगी, फीमेल होंगी, और ये स्टराइल फीमेल होंगी क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर अभी भी मियोसिस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं आया। अब ये मियोसिस कैसे करेंगी जब इनके अंदर ऑलरेडी क्रोमोसोम्स ही कम हैं। ठीक है, ये स्टराइल होती हैं, इनकी जो ओवरीज होती हैं वो बहुत ज्यादा कम मतलब बहुत कम डेवलप्ड होती हैं, रूडिमेंट्री होती हैं। ठीक है, एकदम लेस डेवलप्ड, एग ही फॉर्म नहीं होंगे इनकी ओवरीज में। क्लियर, कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, दिखने में ये कैसी होती हैं फीमेल जिनको टर्नर सिंड्रोम होता है, शॉर्ट स्टेचर होता है, बहुत कम हाइट की होती हैं, नेक में वेब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, वेबिंग ऑफ स्किन इन नेक, और इनको कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मलिटीज भी होती हैं और हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग डिफिशियंसीज भी होती हैं, सुनने की क्षमता कम होती है इन फीमेल्स में। नेक्स्ट कौन सा सिंड्रोम हो सकता है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है, यहाँ पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, जैसे कि मैंने वो प्लस वन वाली कंडीशन बताई थी फर्स्ट पेज पे आपको, तो प्लस वन वाला अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वाला गैमीट फ्यूज हो जाएगा तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाएंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कौन से हो रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा हो रहा है हमारे पास, एक्स 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 एक्स्ट्रा हो रहा है या वाई एक्स्ट्रा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा तो नॉर्मल ह्यूमन के जो 46 क्रोमोसोम होते हैं उनसे एक ज्यादा क्रोमोसोम होगा, यानी डिप्लॉयड कंडीशन कितनी होगी, 2n इज इक्वल टू 47 हो जाएंगे। यहाँ पर कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे देखकर इन्हें पहचान सकते हैं कि किसे क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम है, इनके जो टेस्टिस होते हैं वो स्मॉल होते हैं, इनलार्ज्ड ब्रेस्ट्स होते हैं क्योंकि इसमें एक एक्स एक्स्ट्रा है, दो एक्स है, तो इसमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक भी होंगे, चूंकि ये है तो मेल, ये है तो मेल क्योंकि वाई प्रेजेंट है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्स भी प्रेजेंट है, तो इनमें फीमेल सेकेंडरी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो मेल के साथ ये फीमेल बिहेवियर शो करेंगे,
स्मॉल टेस्टिस हैं, इन लास्ट ब्रेस्ट्स हो जाएंगे, फेमिनिन पिच्ड वॉइस होगी, पतली आवाज होगी, हल्की आवाज होगी, अंडर डेवलप्ड बॉडी हेयर्स होंगे, जो भी फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो इनमें शो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम में एक्स वाई वाई है, यहाँ पे क्या है बेटा, वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मेल है और ये सुपर मेल है, आप वर्ड लर्न कर लो, सुपर मेल। सुपर मेल जैसा वर्ड तो नहीं होता, इनके लिए हम जैकब सिंड्रोम वर्ड ही यूज करते हैं, बट सुपर मेल मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इनके अंदर मेल के बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक होंगे, इवन ये नेचर में भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सैल एग्रेसिव होंगे नेचर में। और इनके अंदर डिप्लॉयड कंडीशन में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 47 होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये जो दो पॉइंट मैंने सभी में ऊपर लिख रखे हैं, इन्हीं से एक्चुअली क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक से उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते आपके एग्जामिनेशन में, यहां से क्वेश्चंस आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टॉलर देन एवरेज, नॉर्मल जो मैन होता है उससे ज्यादा लंबे होंगे, और स्पीच एंड रीडिंग प्रॉब्लम्स होंगी, बोलने में और रीड करने में इन्हें दिक्कत होगी। नेक्स्ट डिसऑर्डर पॉली एक्स फीमेल्स। पॉली एक्स फीमेल्स, फीमेल्स से पता ही चल गया भाई ये फीमेल्स हैं, ठीक है। इनमें तीन एक्स क्रोमोसोम आ गए, अब ये क्या हो गई, सुपर फीमेल बन गई, ठीक है। देखकर इन्हें हम नहीं बता सकते हैं कि ये इनके अंदर कोई सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं या उनकी बॉडी में कभी कभी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक शो होते हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि ये इनके अंदर कोई डिसऑर्डर है। यहाँ पे भी 2N कंडीशन कितनी होगी, डिप्लॉयड कंडीशन में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 47 क्रोमोसोम्स होंगे। हमने चार डिसऑर्डर किए, चार से तीन डिसऑर्डर्स में 47 क्रोमोसोम है। जो फर्स्ट डिसऑर्डर टर्नर सिंड्रोम क्या था, उसमें हमारे 45 क्रोमोसोम थे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ट्रिप्लो एक्स, तीन एक्स एंड ट्रिप्लो एक्स इंडिविजुअल आर फीमेल्स एंड हैव नो अपेरेंट फिजिकल एबनॉर्मलिटी, कोई भी दिखने वाली फिजिकल एबनॉर्मलिटी नहीं होती है इनमें, बट सम टाइम इनमें क्या होता है, स्लाइट मेंटल इम्पेयरमेंट होता है, मेंटली थोड़ा सा इम्पेयर होती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं, मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो इनका इरेगुलर होता है, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी होती है। यहाँ पे मुझे याद आ गया, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी लेक्चर बनाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी आपका एक लेक्चर आ जाएगा, ठीक है। रिड्यूस्ड फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी बहुत हाई नहीं होती है तो इन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। अर्ली ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज, मेनोपॉज क्या होता है, जो पीरियड्स हो रहे होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, वो जल्दी बंद हो जाता है। नॉर्मल एज इसकी 45 है, 45 की एज के बाद में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, बट इन फीमेल्स में जिनमें ये एबनॉर्मलिटी है, पॉली एक्स एबनॉर्मलिटी, उनमें क्या होता है, जल्दी ही मेनोपॉज आ जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है अराउंड 35 या 40 की एज के बीच में, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, ठीक है। सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ में।